हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव औरंगाबाद में उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात हमलावरों ने दीपक नाम के एक शख्स को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत राई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया और मामले की गहनता से जांच में जुट गई। बता दें कि सोनीपत के औरंगाबाद का रहने वाला दीपक अपने एक साथी के साथ गांव खेवड़ा में फ्लोर मिल चलाता है। बीती देर शाम वह अपनी फैक्ट्री से गांव की तरफ जा रहा था, तभी गांव के स्टेडियम के पास अज्ञात हमलावरों ने उसकी गाड़ी का रास्ता रोका और उसे बाहर निकालकर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें दीपक की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावरों ने दीपक की गाड़ी को साइड में लगाया और उसके शव को खेतों में फेंक कर फरार हो गए। जब काफी देर तक दीपक घर नहीं पहुंचा तो उसका भाई उसकी तलाश में फैक्ट्री की तरफ गया तो उसे इस वारदात का पता चला। उसने गांव में फोन करके अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। मिली जानकारी के अनुसार दीपक की गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों के साथ दिवाली के दिन कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद परिजनों को शक है कि उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया है।